लीला अपने माँ बाप के साथ केशवपुर नाम के गांव में रहती थी। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, पर दोनों के सपने बहुत बड़े बड़े थे। उनका गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, जो कि शहर से बहुत दूर था। उस गांव में ना तो कोई अच्छा अस्पताल था, ना स्कूल, यहाँ तक कि वहाँ कोई पांचवी से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। केशवपुर में औरतों का तो और भी बुरा हाल था। वो तो बस घर के कामों के लिए ही बनी हुई थी, बस सारा दिन घर के कामों में ही उलझी रहती थी। गांव वालों का मानना था कि औरतें तो बस घर के कामों के लिए ही बनी हैं। कुछ औरतों का तो बुरा हाल था। उन्हीं औरतों में से एक थी सुलेखा काकी। सुलेखा काकी गांव की सबसे बूढ़ी औरत थी। गांव की ज़्यादातर औरतें उनकी ही बात मानती थीं। कोई भी परेशानी होती तो सभी औरतें भागी भागी उनके ही पास आती थी। सुलेखा काकी, देखो तो बिंदु के पति ने इसको कितना मारा है, वो भी बिना किसी बात पर। रात को दारू पीकर आ गया और इस बेचारी को बहुत मारा। ये तो हम औरतों की किस्मत में ही लिखा है राम दुलारी। कोई बात नहीं, ये कौन सा अपने पति की मार से मर गई है। तभी वहाँ पर लीला आ जाती है। ये ठीक नहीं है सुलेखा काकी, आखिर कब तक हम ये सब जुल्म सहती रहेंगी। मैं इस बार गांव के सरपंच का चुनाव लड़ूंगी और ये सारी गलत प्रथाएं बदल कर रहूंगी। चल चल यहाँ से, जा अपना काम कर, आई बड़ी सरपंच बनने वाली। लीला वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वो अपने घर पहुँचती है तो वहाँ पर उसका पिता भोला और माँ ममता बैठे हुए थे। क्या बात है लीला, लगता है आज फिर तू किसी से उलझकर आ रही है। लीला सारी बात उन दोनों को बता देती है। पिछड़े समाज के लोगों के कारण ममता तो कुछ नहीं कर पाई, पर वो चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ करे जिससे कि उस गांव की औरतों का जीवन बदल जाए। एक बार की बात है, ममता और उसका पति भोला बैठे हुए बातें कर रहे थे। भोला कहता है, अरे सुन ममता, कल जब मैं काम से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि भजन लाल अपनी बेटी को बहुत मार रहा था। क्यों जी, क्या तुमने पूछा नहीं? नहीं नहीं, मैं भला क्यों पूछता, वो जाने उसकी बेटी जाने। तुम भी कैसी बातें करते हो, तुम्हें पूछना तो चाहिए था कि हुआ क्या। एक तो बेचारी की माँ भी नहीं है, बिन माँ की बच्ची है, न जाने क्या क्या जुल्म कर रहा होगा वो भजन लाल उस पर। मैं बात करती हूँ उसकी बेटी से कि वो इतना जुल्म क्यों सहती है। शादी के लायक की बेटी है और जब देखो उसे कोसता रहता है। और फिर कुछ देर बाद पड़ोस में रहने वाली सुषमा वहाँ आ जाती है। वो रो रही थी। अरे सुषमा बेटी, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? हाँ बेटी, क्या हुआ, कुछ बता तो सही। सुषमा रोते हुए कहती है, वो भजन चाचा है ना, वो उनकी बेटी। हाँ हाँ, बोल क्या हुआ उनकी बेटी को। वो ना नदी में कूद गई और डूब गई, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है नदी में छलांग लगाते। हे भगवान, ये तू क्या कह रही है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे गांव में, मैं अभी पता करके आता हूँ कि क्या हुआ। पिताजी, ये सब आपकी ही गलती है, अगर कल आपने भजन चाचा को रोका होता तो शायद आज उसकी बेटी जिंदा होती। ये क्या कह रही है लीला तू। हाँ हाँ, लीला बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिर वो भागती हुई घर के बाहर निकल जाती है। भोला भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। वो दोनों भजन लाल के घर की तरफ चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि गांव के सब लोग वहाँ पर पहुंचे हुए थे। सुलेखा काकी भी वहाँ पर ही बैठी हुई थी। वो कहने लगी, बेचारे की किस्मत ही खराब है, पहले घरवाली छोड़कर चली गई और अब बेटी। रो मत भजन लाल, जो हुआ अच्छा ही हुआ, बला टली। इतने में ममता बोल पड़ी, ये क्या कह रही हो तुम काकी, क्या तुम नहीं जानती ये अपनी बेटी पर कितना जुल्म करता था, और तुम इसे ही बेचारा कह रही हो, इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए, इसी ने मारा होगा अपनी बेटी को। चुप हो जा ममता, ये क्या कह रही है तू। तुम चुप रहो और चुप रहेंगे ये गांव वाले, मैं नहीं चुप रहूंगी, मैं अभी जा रही हूँ पुलिस के पास। अरे कोई रोको इसे, ये तो हमारे गाँव की नाक कटवा देगी,
कोई हमारे गांव की बेटियों से शादी नहीं करेगा। सब लोग ममता को रोकने लगते हैं, तभी एक गांव वाला ममता के सामने आ जाता है और देख ममता, तू ज्यादा मत बोल, वरना ये याद रखना कि तेरी भी एक बेटी है। फिर उसकी बेटी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माँ इस गांव को बदलने के लिए हमको मेहनत करनी होगी, इस तरह से इस गांव का कुछ नहीं हो सकता। कैसी मेहनत बेटी? माँ तुम गांव के सरपंच का चुनाव लड़ो और मैं IAS अफसर बनूंगी। मैं भी पिछले काफी समय से पढ़ाई कर रही हूँ और अगले ही महीने मेरा पेपर है। हाँ बेटी तू ठीक कहती है, तू ऐसा कर, तू आज ही शहर चली जा अपने मामा के पास, क्योंकि यहाँ रहकर तो तेरी पढ़ाई में रुकावट ही आएगी। लीला अपने मामा के पास शहर चली जाती है और उधर गांव में ममता को नींद नहीं आ रही थी। उसे तो बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा था, वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई। फिर उसने सोचा कि वो अपनी बेटी के जरिए ही उस गांव की हालत सुधारेगी। अरे बेटी लीला, रात के 12 बज गए हैं, तू अब सो जा बेटी। नहीं मामा जी, मुझे अभी और पढ़ना है, अगर मैं सो जाऊंगी तो अपने गांव को उस अंधियारे से कैसे जगाऊंगी। आप सो जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में मैं सो जाऊंगी। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। मामा जी सोने चले जाते हैं लेकिन लीला को नींद नहीं आ रही थी, वो फिर से पढ़ने लग जाती है। और उधर गांव में सरपंच के चुनाव होने वाले थे, ममता भी सरपंच के चुनाव लड़ने वाली थी। वो अपने घर बैठी हुई कुछ सोच रही थी, उसके दिमाग में लीला की बातें घूम रही थी। माँ हमको ही कुछ करना होगा इस गांव की भलाई के लिए, तुमको इस बार सरपंच का चुनाव जीतना है और इस गांव में औरतों की भलाई के लिए कुछ काम करने होंगे। ठीक है मेरी बच्ची, मैं जरूर लड़ूंगी सरपंच का चुनाव। तभी भोला राम ममता को टोकता है। अरे ममता क्या सोच रही है तू? हाँ जी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तूने चुनाव में अपना नाम लिखवा दिया है लेकिन ठाकुर के खिलाफ लड़ना सही होगा क्या? तुम तो जानती ही हो वो कितना गुस्से वाला है, कहीं तुमको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो दोनों घर के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे कि उनको बाहर से कोई आवाजें दे रहा था। दोनों घर से निकलकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ठाकुर अपने आदमियों के साथ बाहर खड़ा था। क्यों बोला राम, तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या जो ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो? ठाकुर साहब हमारे गांव की सोच बहुत ही पिछड़ी हुई है और यहाँ पर औरतों को सब अपने पांव की जूती समझते हैं। गांव वालों की सोच को बदलना बहुत जरूरी है और इसके लिए मुझे ये चुनाव जीतना होगा। अच्छा तो तू ठाकुर से मुकाबला करेगी? सरपंच का चुनाव तो तू तब लड़ेगी अगर तू इस लायक रहेगी। बिल्लू कालिया जरा इन दोनों को सबक सिखा दो कि ठाकुर के खिलाफ जो भी खड़ा होता है उसका क्या अंजाम होता है। ठाकुर के आदमी भोला और ममता को मारने लगते हैं और उनके घर में भी तोड़फोड़ करते हैं। गांव वाले चुपचाप सब देखते रहते हैं लेकिन कोई भी उन दोनों को बचाने की कोशिश नहीं करता। बस रुक जाओ, देख ममता रानी आज तो तेरी जान बख्श देता हूँ और समझा कर जा रहा हूँ, अगर दोबारा कभी ठाकुर के खिलाफ कुछ सोचने की भी कोशिश की तो सीधा भगवान के पास भेज दूंगा। ठाकुर वहां से चला जाता है, भोला और ममता बेबस वहीं अपने घर के बाहर थे। देखा गांव वालों, मैंने तो पहले ही कहा था कि जैसा चल रहा है वैसा ही अच्छा है, लेकिन ये चली थी सालों पुरानी प्रथाओं को बदलने। अरे तू नहीं जानती क्या इन प्रथाओं को बढ़ाने की जिसने भी कोशिश की है उसको अपनी जान देनी पड़ी है। मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ सुलेखा काकी, लेकिन अपने जमीर को मारकर जिंदा नहीं रहूंगी। जब तक मेरे शरीर में एक भी कतरा खून का है मैं अन्याय का विरोध करती रहूंगी। तभी सुषमा भी आगे बढ़ती है और ममता का साथ देने को तैयार हो जाती है। ममता चाची ठीक बोल रही हैं और मैं ममता चाची का साथ दूंगी। सुषमा के बोलने पर कुछ और लोग भी ममता का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। गांव में चुनाव प्रचार जोरों पर चलने लगा था। ममता की बातें अब लोगों को समझ आ रही थी, वो सब भी अब अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते थे। एक दिन शाम की बात है,
सुषमा ममता से मिलकर अपने घर वापस जा रही थी कि तभी पीछे से कुछ लोग सुषमा पर हमला करते हैं। सुषमा वहीं पर घायल हो जाती है। सुषमा अपनी जान बचाकर ममता के पास पहुंचती है। जब ममता देखती है कि सुषमा को तो चोट लगी है तो वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन सुषमा कहती है कि कुछ नहीं हुआ। उसी समय ममता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, निकलो सब अपने घरों से बाहर, कहाँ छुपे बैठे हो, शर्म नहीं आती, एक लड़की पर हमला करते हो, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा। उसकी आवाज सुनकर सारे गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। ममता सुषमा का हाथ पकड़कर कहती है, देखो कितनी बुरी तरह से मारा है सुषमा को। ममता अपने साथ कुछ लोगों को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज कराने लगती है। देखो मैडम, ठाकुर के खिलाफ कुछ भी करने से पहले आप अच्छे से सोच लेना, क्योंकि मैं रिपोर्ट तो तुम्हारी लिख लूंगा, लेकिन क्या अदालत में कोई ठाकुर के खिलाफ बोल सकेगा? हाँ इंस्पेक्टर, आप सबसे पहले ठाकुर के खिलाफ FIR कीजिए। ये आवाज सुनकर इंस्पेक्टर और बाकी सब भी आवाज की दिशा में देखते हैं तो सामने लीला खड़ी हुई थी। वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गई थी और उसी गांव में आ गई थी। लीला के कहने पर पुलिस ने ठाकुर जय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उधर ममता अब गांव में चुनाव जीतकर सरपंच बन गई थी। लीला और ममता ने जो ठाना था वो कर दिखाया। अब केशवपुर का तो पूरा नक्शा ही बदल चुका था। लीला जब से कलेक्टर बन के आई थी और ममता जब से सरपंच बनी थी, तब से गाँव में नई नई योजनाओं को लेकर दोनों ने ही गाँव में तरक्की की राह पैदा कर दी थी। अब गांव की सब लड़कियां पढ़ने जाती थीं और गांव की सुलेखा काकी भी बदल चुकी थी। ममता, तूने इस गांव की औरतों की जिंदगी ही बदल दी, मुझे माफ करना जो मैंने शुरू में तेरा विरोध किया। कोई बात नहीं काकी, मुझे खुशी है कि समय के साथ तुम भी बदल गई हो। हाँ हाँ सुलेखा काकी, अब हमारा गांव एक मिसाल बन गया है।